आज साथी हम लोग आपके बीच में ये बताने आए हैं कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार जैसे गरीब राज्य को अपना भरपूर सहयोग देने का काम किया। बिहार जैसे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर रहे तो 2017 में जीएसटी की पूरी व्यवस्था खड़ा करके जो आबादी था उसका लाभ बिहार जैसे राज्य को दिया। और देश में जब जब एनडीए की सरकार बनी, चाहे वो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, तब भी विशेष सहायता बिहार को करने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014-15 में सहयोग करने का काम किया गया। और कल ही आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश में जब बजट पेश किया तो बिहार जैसे आर्थिक रूप से गरीब राज्य को, जहां बाढ़ की हम चिंता करते थे, इस बिहार को 11,500 करोड़ रुपया सिर्फ बाढ़ से सुरक्षा देने का प्रदान किया। इसके साथ साथ पहले से दो हमारे एक्सप्रेसवे सिलीगुड़ी से गोरखपुर तक का और रक्सौल से हल्दिया, दो एक्सप्रेसवे हमारे स्वीकृत थे। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 3 और एक्सप्रेसवे बिहार जैसे राज्य को मिला। बक्सर से लेकर भागलपुर जो बिहार के बॉर्डर तक, पीरपैंती के इलाके तक होगा, उसको एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया जाएगा। और इसमें पूरी व्यवस्था की चिंता की जा रही है। ये सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं होगा, ये बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गंगा में चाहे वो सोन का पानी हो, चाहे वो पुनपुन का पानी हो, क्यूल नदी का पानी हो, बड़ुआ नदी का पानी हो, चाहे वो चानन का पानी हो, सबको स्टोरेज करने की भी व्यवस्था इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा। प्लांटेशन का पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। उसी तरह बोधगया से वैशाली और पटना से पूर्णिया, अभी पूर्णिया खगड़िया होकर लोग जाते हैं, एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे, सुपर हाईवे जो एक्सप्रेसवे है उसको बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। ये पूरी तरह यहां से जंदहा से समस्तीपुर के रोसड़ा, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा, दमदाहा और पूर्णिया हेडक्वार्टर जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जहां हाईवेज में लगभग 26,000 करोड़ देने का काम किया, उसी तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, देखिए ये विशेष तौर पर ही आर्थिक सहयोग है, नेपाल की पानियों से जो बाढ़ की स्थिति होती थी उसके लिए भारत सरकार ने अध्ययन कराया, कई इसमें कैनाल बनाने का काम किया जाएगा, कई जगह ब्राज बनाने का काम किया जाएगा। तो ये पूरी तरह स्टडी करने के बाद चिन्हित किया गया। और इसके साथ साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जरूर घोषणा किया है कि नेपाल की भी सहमति ली जा रही है, उनके साथ भी जुड़कर हाई लेवल डैम बनाने का काम किया जाए। ये विशेष तौर पर आर्थिक सहायता ही है जो बिहार को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।